नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिप्टो टेंडेट चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिटगर्स टोकन से रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट। और बिटगर्ड टोकन ने एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक चलाया जिससे उसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इस समय करंटली पंप हो रहा है, और उसका बहुत बड़ा रीज़न है जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर अभी करंटली आपको देखें यहाँ पे प्राइस, तो डॉलर में अगर हम देखा जाए तो 60 के बाद 3314 की सीरीज चल रही है, और इस समय अगर आप देखें तो 4.5% के करीब अप है। अगर रैंक की बात करें तो 223वें रैंक पे चल रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम अगर देखो दोस्तों तो वॉल्यूम में 19% की आपको वृद्धि दिख रही है। यहाँ पे अगर मार्केट कैप देखें तो वो भी 4.5% के करीब इसका मार्केट कैप भी अप हो चुका है, और यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आया है। वॉल्यूम सिर्फ उस न्यूज़ की वजह से इसमें वॉल्यूम है, और इसने जो ऑल टाइम हाई आपको बनाया था, अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखा हूँ तो 6x0 के बाद 3424 की सीरीज में पहुंच गया, यानी 3424 की सीरीज में पहुंच गया था। उस समय काफ़ी ज़्यादा पंप हो रहा था, और लेकिन अभी अगर देखें 3332 की सीरीज में चल रहा है, यानी इसने अपना ऑल टाइम हाई 24 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा बना करके आया है। अगर यहाँ पे देखें, अभी देखते ही देखते वॉल्यूम फिर से बढ़ गया, 20% हो गया, अभी 19% से 20% हो गया, तो वॉल्यूम काफ़ी। ये फॉर्म आप लोग ज़रूर फिल कर लीजिए अगर आपने बिटगट चेन पे स्टेक कर रखा है तो। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ में है सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, इन्होंने ट्वीट किया है 9 घंटे पहले, वी आर एट द फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी इनकॉर्पोरेशन इन फ्रांस एंड वी विल होस्ट अ कार लॉन्च इवेंट इन दुबई वेरी सून। यानी ये अब फ्रांस में कॉपरेट कर देंगे, जो कि ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, कार बनाने वाली कंपनी बन जाएगी। कोई न अभी तक ऐसी कोई जो है कि क्रिप्टो करेंसी में कोई भी ऐसा टोकन नहीं है जो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, लेकिन बिटगट उस मामले में आगे निकलता हुआ दिख रहा है। जैसे ही इनकी कार लॉन्च होगी और दुबई जो आपका एक्सपो होता है, कार एक्सपो में अगर वहाँ पे ये इसको शोरूम में अगर लगाते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इनको जो है कि प्राइस में इनके पंप भी देखने को मिले, क्योंकि ये अगर जब कार अपना लॉन्च करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पेमेंट जरूर जो है कि बिटगर प्राइस में लेंगे, ताकि जो है कि लोग इससे परचेज कर सकते हैं कार, इजीली परचेज कर सकते हैं कार आप बिटगर प्राइस से। तो इसी वजह से अगर प्राइस में आप देखें काफ़ी ज़्यादा पंप देखने को मिल रहा है। मेन रीज़न यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाली है बिटगर टोकन। अगर इसमें नया निवेश करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें थोड़ा सा अभी कूल ऑफ होने दीजिए, थोड़ा डाउन आएगा अभी तब लीजिएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी इस न्यूज़ के दम पे ये काफ़ी ज़्यादा पंप दिखा चुका है इस बियर मार्केट में भी। तो कोई ना कोई डिप आए तो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी खुद की रिसर्च कर ले और इस तरह के कॉइन में उतना ही पैसे लगाए जितना आप खोने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट है। यहाँ पे कब क्या हो जाए, आपका पैसा 100% 0 हो सकता है, इस बात का ख्याल रख के ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आगे चल के ऐसा लगता है बिटगट जिस तरह से अपनी पार्टनरशिप करता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी है। इनका प्लान है कि अगले जो है कि 6 महीने में 1000 पार्टनरशिप करने का, वो लगता है कि अपने टाइम से पहले पूरा कर लेंगे जिस हिसाब से पार्टनरशिप होती रहती है इनकी। तो कहीं ना कहीं आपको ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, तो आप इस पर जो है देखिए, अपने वॉच लिस्ट में लगाइए और सही टाइम पे एंट्री लीजिए। कभी भी हाइप में एंट्री नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा टॉप पे लेंगे तो आपको फिर नीचे आएगा, फिर आप एवरेज भी करते रहेंगे तब भी आपको उतना अच्छा बेनिफिट नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिटगर्ड से बर्निंग से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, इसके बर्निंग में ना कहीं प्रॉब्लम है, बर्निंग अच्छी खासी हो नहीं रही है। अगर हम यहाँ पे बर्निंग ट्रैकर पे हम सर्च कर लेते हैं, अगर बर्निंग बिटगर्ड को देख लेते हैं यहाँ पे, तो बिटगर्ड की को जो बर्निंग हो रही है उससे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। यहाँ पे अगर देखिए, इन्होंने 1 घंटे में $2 के करीब इन्होंने बर्न किया है टोकन को, और यहाँ पे जो है कि 24 घंटे में $62 तक का इन्होंने बर्निंग किया है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इनको कहीं ना कहीं बर्निंग अपनी स्पीड काफ़ी स्पीड तेज करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ हो सकता है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, और सप्लाई ज़्यादा होगी तो इतने छोटे छोटे बर्निंग से कुछ नहीं होने वाला, इनको बर्निंग अपनी इंक्रीज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बर्निंग की वजह से प्राइस में इनके ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखने को मिल रहा है, क्योंकि बियर मार्केट भी है तो उसका भी इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन इतने सारे पार्टनरशिप, इतने सारे इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पंप देखने को नहीं मिल रहा, जैसे कि और कॉइन में थोड़ी सी न्यूज़ आती है तो इतना ज़्यादा पंप देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।